आई लव सर जी, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं शाम को। अरे ओए स्पाइडरमैन, कहाँ जा रहे हो? आइला सर जी, मैं आपको बताया था ना, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गया, आराम से जाना और शाम तक वापस आ जाना। अब एवेंजर्स लोगों को तुम्हारी जरूरत है, समझे? आइला सबको यही बोलते, छुट्टी जाने देते ही नहीं है। फाइनली बहुत ही मुश्किल से हाफ डे का छुट्टी मिला है, अब घर में जाकर के PS5 में गेम खेलूंगा। अरे सर जी बाय बाय। अरे स्पाइडरमैन, ये गाड़ी एवेंजर्स का है, तोड़ मत देना। ये बच्चा पता नहीं पगलाता रहता है, पता नहीं घर जाके क्या हरकत करेगा। बस सही सलामत शाम तक वापस आ जाइए। स्पाइडी को छुट्टी मिली, हमको भी छुट्टी चाहिए, हमको बर्गर छुट्टी चाहिए, ओडिन पुत्र को भी छुट्टी चाहिए। चलो एवेंजर्स लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग भी छुट्टी मारते हैं, बर्गर की छुट्टी। चलो सब लोग मिलकर के बर्गर खाने चलते हैं। आइला दोस्तों, फाइनली मुझे छुट्टी मिल गई, फाइनली मैं घर जाऊंगा। आज तो सच में खतरनाक गेम खेलूंगा, PS5 में GTA 5 खेलूंगा, WWE खेलूंगा, स्पाइडरमैन खेलूंगा, मजा आ जाएगा। पूरा 2400 घंटा काम कराते हैं सर जी, छुट्टी तो देते ही नहीं है, सैलरी के नाम पे एक बर्गर खिलाते, बात करते हैं। चलो जल्दी चलो, आज घर में जा करके तो मजा करेंगे। अरे चलो मजा क्या, एक सेकंड, ये गाड़ी किसकी है? अरे बापरे, मैंने तो किसी की गाड़ी को ठोक दिया। अरे तेरे की, अभी मैं अपनी गाड़ी को धुला के लेके आया हूँ, किसने ठोक दिया? जिसने भी ठोका होगा ना, उसको मैं बुरे तरीके से मारने वाला हूँ। किसने ठोका? अरे स्पाइडरमैन, तुझे बाइक चलानी आती नहीं और तू मेरी गाड़ी को ठोक दिया। आई लव फ्रैंकलिन, थोड़ा सा ही तो कीचड़ लगा है। अरे थोड़ा सा क्या भाई साहब, मैं अभी अपनी गाड़ी को ठीक करा के, मतलब कि धुला उला के एकदम फिक्स करा के ला रहा था, थोड़ा सा डेंट पड़ा दिया ना तुमने, मतलब देखो यार पीछे वाला बम्पर मुड़ चुका है। भाई यार तू क्या करता है भाई, मेरी इतनी अच्छी गाड़ी को तोड़ दिया तूने। आइला फ्रैंकलिन, थोड़ी सी तो चोट लगी है, एवेंजर्स लोग कितनी चोट खाते तुम्हारे लिए। कुछ नहीं खाते, दिन भर मुझे ही खिलाते रहते। और एक बात बता, सवेरे कहाँ निकली सवारी? अरे फ्रैंकलिन पता है, मैं एवेंजर्स छोड़ दिया। अरे यार क्या, तू एवेंजर्स के टीम से बाहर आ गया, मतलब छोड़ दिया? अरे गाइजर अब तो अच्छा मौका है, मैं जाता हूँ, स्पाइडरमैन की जगह एवेंजर्स लोग मुझे ले लेंगे, परमानेंटली एवेंजर्स का सदस्य, स्पाइडरमैन भाड़ में जा तू। आई लव फ्रैंकलिन, मतलब कि ये नहीं है, मतलब ये है कि मैं सिर्फ हाफ डे का छुट्टी पे हूँ, शाम में वापस आ जाऊंगा। अच्छा भाई ये बात है, ऐसे बोलना, खाम खाम मैं भी यार खुश हो गया था कि भाई शायद मुझे एवेंजर्स टीम में हिस्से मिल जाए और भाई उसके बाद परमानेंटली जॉब मिल जाए। बट यार जाओ भाई जाओ, पूरा मूड खराब कर दिया मेरी गाड़ी को तोड़ के। आना मत, अब सीधा सीधी जाना, किसी को ठोक मत देना, रास्ते में मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे, तुझे भाई मारने भी लगेंगे। आइला बार बार बच गया, अब मुझे तरीके से गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो वरना ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे और मुझे मारेंगे भी। आइला दोस्तों एक काम करना, नीचे कमेंट करके बताना कि ये मेरी गाड़ी कैसी लग रही है, मैं धुर्राटे काट रहा हूँ कि नहीं काट रहा हूँ। अरे देखो दोस्तों, मैं खतरनाक तरीके से धुर्राटे काट रहा हूँ, देखिए धुर्राटे काट रही है। ओम भो। ओ नो दोस्तों, धुराटे काटते काटते जमीन के नीचे गिर गया, अब लगता है गाड़ी को आराम से चलाना पड़ेगा। ओ नो, मेरी गाड़ी से तो धुआं भी निकल रहा है, पता नहीं ये गाड़ी कितने दूर तक जाएगी, मुझे आगे जाके मैकेनिक में दिखाना ही पड़ेगा ये गाड़ी को। आई लव दोस्तों, रात हो गया, मेरा पूरा छुट्टी मर गया, और ये गाड़ी तो देखो धुआं निकले जा रही, ये गाड़ी तो आगे भी नहीं बढ़ रही, अब मैं क्या करूं? अरे मेरी गाड़ी आगे बढ़ जा, अब मैं क्या करूं? मेरी गाड़ी से तो खतरनाक तरीके से धुआं आ रहा है। ही ही ही, बच्चे तुम्हें क्या मदद चाहिए? आइला लगता कोई मदद करने आया। अरे आप? अरे हाँ मुझे मदद चाहिए, मेरी गाड़ी से पता नहीं धुआं निकल रहा है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे शायद पानी चाहिए, अगर मैं गाड़ी के इंजन में पानी डाल दूँ तो शायद धुआं ना बंद हो जाएगा और मैं अपने एवेंजर्स हाउस जा पाऊंगा। ही ही ही, तो शर्मा मत, मेरे घर चलो, मेरा घर सामने ही है, उसके अंदर से पानी ले लो और अगर कोई भी सामान चाहिए तो ले लो। आइला वाह, सच में आप सच बोल रहे हैं, लॉस सेंटोस के बाहर भी बहुत ही अच्छे लोग होते हैं दोस्तों मदद करने के लिए। चलिए चलिए आपके घर चलते हैं। ही ही ही, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते, आओ मेरे पीछे पीछे, अभी पता चल जाएगा, मेरे पीछे पीछे ऊपर आओ, ऊपर मैं तुम्हें नाश्ता पानी भी कराऊंगी, तुम पहली बार जो आ रहे हो, मैं अपने घर में बिना नाश्ता पानी कराए हुए किसी को बाहर नहीं भेजती। आइला वाह, नाश्ता पानी भी मिलेगा, सुबह से पता है दोस्तों मैं भूखा था, फाइनली कुछ खाने के लिए मिलेगा। अरे नानी पहले पानी निकाल दीजिएगा, पहले काम करेंगे उसके बाद पेट पूजा करेंगे। अरे क्या हुआ नानी? अरे अरे क्या हुआ, आप उधर क्या देख रहे हैं? ही ही, मैं नानी नहीं नन हूँ, वो भी ईवल वाली, ये लो अब तुम पड़े रहो। ही ही ही, अब तुम ये घर से बाहर कभी नहीं जा पाओगे, तुम कैद हो गए इस घर में, जो भी आएगा
कैद हो जाएगा। ही ही ही। अरे गाइस यार, ऐसे तो मैं अवेंजर्स हाउस मॉर्निंग में ही आता हूँ, बट पता नहीं यार आयरन मैन ने अभी मुझे कॉल किया। रात होने वाला है, मतलब देख रहे हो सूरज ढलने वाला है, और भाई अभी कॉल करके मुझे बुला रहा है। पता नहीं यार ये आयरन मैन को क्या तकलीफ हो चुका है, रात में मुझे अवेंजर्स हाउस बुला रहा है। अरे आयरन मैन क्या हो गया यार, मुझे रात में क्यों बुलाए हो? अरे यार आयरन मैन क्या हो गया यार, इतना अच्छा खासा भला मैं घर जा रहा था, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, मैं स्पाइडरमैन को कॉल कर रहा हूँ बट वो उठा भी नहीं रहा। स्पाइडरमैन आज छुट्टी पे था और बोला था कि शाम तक आ जाएंगे, रात होने वाली और अभी तक नहीं आया। अरे यार चिंता क्यों करता है भाई, रास्ते में स्पाइडरमैन से मैं भी मिला था। भाई वो जा रहा था, अजीब तरीके से गाड़ी चला के उसने मेरी कार को भी ठोक दिया। पता नहीं गाइस यार उसे ड्राइविंग लाइसेंस किसने दे दी, अच्छे तरीके से गाड़ी चलानी आती नहीं है, गाड़ी चलाता रहता है। भाई वो रास्ते में आ रहा होगा, भाई देरी हो जाती है कभी कभी। अरे नहीं, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहा, और मैंने जब चेक किया तो उसका लोकेशन भी लॉस सैंटोस में नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड, ये अब कुछ बड़ी बात लग रही गाइस यार, फोन तक तो ठीक था बट लोकेशन लॉस सैंटोस में नजर नहीं आ रहा। मतलब कि यार आयरन मैन के पास ऐसे ऐसे डिवाइस है ना कि वो लॉस सैंटोस में जितने भी लोग हैं ना सबका लोकेशन निकाल सकता है, इसलिए तो ये लोग अवेंजर्स हैं। बट स्पाइडरमैन का अगर नहीं आ रहा है तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा तुम्हें एग्जैक्ट पता है वो गया कहां था? हमें वो तो नहीं पता, बट हमें यहां तक पता है कि उसका सिग्नल लास्ट कहां तक आ रहा था। वो एक छोटा सा गांव में गया हुआ था, वहां पे उसका लास्ट सिग्नल था, उसके बाद वो ऐसा ही कि गायब हो गया। अब लगता है गाइस यार हमें वहां पे जाके चेक करना चाहिए कि स्पाइडरमैन गया तो गया कहां। अवेंजर्स चलो जल्दी से चलते हैं। अरे गाइस यार अब हम लोग निकलने वाले स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए, पता नहीं स्पाइडरमैन कहां गया है। अगर गाइस यार आपको पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। अवेंजर्स लोग आ जाओ जल्दी, आओ गाड़ी में बैठो। अरे तुम लोगों ने तो मुझे बैठने का जगह ही नहीं दिया। अरे यार क्या दिक्कत है भाई यार, हल्क तू लटक जाना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। गाइस यार फाइनली हम लोग निकल पड़े, रात होने वाली है और भाई स्पाइडरमैन को ढूंढना भी जरूरी है, पता नहीं ये कहां चला जाता है। अरे अवेंजर्स तुम्हें पता है स्पाइडरमैन ना जिस तरीके से गाड़ी चला रहा था ना, मुझे लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। अरे फ्रैंकलिन अच्छा अच्छा बोलो, क्या बुरा बुरा बोल रहे हो, पागल हो क्या? अरे हाँ यार मुझे गलत वर्ड नहीं निकालना चाहिए था, मतलब कि उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए था, बट यार स्पाइडरमैन गाड़ी गंदे तरीके से चला रहा था, मुझे पक्का यकीन है गाड़ी के चक्कर में ही उसका लेट हुआ होगा, शायद उसके टायर पंचर हो गई होगी या फिर कुछ भी हो सकता है आयरन मैन। अरे लेकिन उसका लोकेशन क्यों नहीं नजर आ रहा? अरे यार हाँ ये बात अलग है, उसका कम से कम लोकेशन तो नजर आना चाहिए था, पता नहीं यार क्या ही दिक्कत है। चलो जल्दी से जाते हैं जहाँ पे उसका लास्ट लोकेशन रिसीव हुआ था, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। भाई आसपास में लोगों से पूछेंगे कि भाई स्पाइडरमैन आया है कि नहीं आया, अगर वहाँ पे पता चल गया तो शायद यार स्पाइडरमैन भी मिल जाएगा। अरे एक बात बताओ ये वाला गाँव क्या? अरे हाँ यही वाला गांव में उसका लास्ट लोकेशन नजर आया है। अरे पागल तुम लोग सब हो क्या, ये वाला गांव बहुत ही खतरनाक और श्रापित है, कहा जाता है ये गांव के अंदर कोई आदमी नहीं रहता, और हाँ यहाँ पे ना एक पागल सी नन है, वो इविल नन है, वो लोगों को देख करके मार के अपने घर के अंदर रख देती है, समझ में भी नहीं आता वो कौन है और कहां से आई है। लेकिन यार देख रहे हो यहां पे सारी घर ना जले और खराब है, ये गांव ना बहुत ही बर्बाद हो चुका है वो इविल नन के वजह से। अरे यार तो स्पाइडरमैन कहाँ होगा? अरे यार वो तो मुझे भी नहीं पता, बट आओ चलो ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो नजर आ ही जाएगा। अरे यार फाइनली यार हम लोग यहाँ पे तो आ चुके, यहीं पे लास्ट लोकेशन मिला स्पाइडरमैन का, और भाई देखो तो यार रात भी हो चुका है। एक सेकंड यार यहाँ पे देखो ये रही इसकी गाड़ी, भाई साहब गाड़ी तो मिल गई फाइनली गाइस यार, अब स्पाइडरमैन की गाड़ी मिल गई है, स्पाइडरमैन भी मिल जाएगा, भाई आसपास में होगा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तुम्हारे कुछ दोस्त लोग भी आए हैं, लगता है तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, वो लोगों को भी मार करके स्पाइडरमैन की तरह ही कैद कर लूंगी। ही ही ही। बोलो कि इस गांव में आने की जरूरत कैसे हुई? अरे अवेंजर्स लोग एक काम करते हैं, हम लोग भाई हम लोग ना स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए अलग अलग बढ़ जाते हैं, आयरन मैन और बाकी जितने भी अवेंजर्स है तुम सब लोग कोई घर में जाकर के ठक ठक आके पूछो कि भाई स्पाइडरमैन को किसी ने देखा है क्या, और मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पे जंगलों और यहाँ पे मैदानों की तरफ जाके देखता हूँ कि स्पाइडरमैन वहाँ पे गिरा पड़ा तो नहीं है, मुझे लगता है उसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी तो उसकी गाड़ी यहाँ पे आगे गिर गई है और वो आसपास में ही होगा। हाँ फ्रैंकलिन सही कह रहा है, अगर हम लोग अभी तक पता नहीं करेंगे कि स्पाइडरमैन गया तो गया का तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है जैसा फ्रैंकलिन कहता है सब लोग ऐसा ऐसा करो। अरे हाँ सब लोग बैठ जाओ, एक काम करता हूँ गाइस यार मैं तो जा रहा हूँ भाई इस तरफ मैदान की तरफ देखने के लिए, कहीं स्पाइडरमैन मैदान की तरफ ना फेंका गया होगा और वहाँ पे औंधा पड़ा होगा, जाके उसे उठाना पड़ेगा। स्पाइडरमैन ओ स्पाइडरमैन, भाई साहब ये इलाका तो बहुत ही खतरनाक है, ये जगह पे आने का ही नहीं था, पता नहीं स्पाइडरमैन यहाँ पे क्यों आया है। भाई साहब मैं देख रहा हूँ बट यहाँ पे तो स्पाइडरमैन नजर भी नहीं आ रहा। चलो एक काम करता हूँ मैं ये वाले घर में जाके पूछ के आता हूँ, ये वाला घर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लगता है स्पाइडरमैन इसी के अंदर गया होगा।
आ जाओ आ जाओ। चलो एक काम करता हूँ, अंदर मुझे कोई नजर आ रहा है, उससे पूछता हूँ अगर आपने कोई स्पाइडरमैन को देखा है क्या। एक सेकंड, आप तो मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। अरे ये तो ईविलन है जिसके बारे में फ्रैंकलिन बात कर रहा था, मुझे सबको बताना पड़ेगा। तुम बताने के लिए बचोगे तब ना, फाइनली एक को मैंने डाउन कर दिया, चलो इसे ऊपर ले जाती हूँ, धीरे धीरे सबको खत्म करूंगी और घर के अंदर कैद कर लूंगी। ही ही ही। हल्क स्पाइडी को ढूंढेगा, जरूर स्पाइडी यहाँ पे पेट्रोल लेने आया होगा। अरे पेट्रोल वाले भैया, यहाँ पे स्पाइडरमैन आया था क्या? ही ही ही। आया था ना, आया था, तुम भी जाना चाहोगे, ये लो जाओ उसके साथ तुम भी। ही ही ही। ये बड़े से ग्रीन हल्क को भी मैंने बेहोश कर दिया, ये डंटा मेरा बहुत काम का है। अब सिर्फ दो लोग बच गए, ये दोनों को एक साथ ही बेहोश कर देती हूँ, ये लो तुम भी खाओ और तुम भी लो, तुम लोग दोनों लो। फाइनली मैंने दोनों को बेहोश कर दिया, सबको उठा के अपने घर ले जाती हूँ। ही ही ही। फाइनली मैंने सबको यहाँ पे बेहोश कर दिया है, अब इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ही ही ही। अरे यार यहाँ तो मुझे कोई भी यार स्पाइडरमैन ना तो भाई कोई इंसान भी नहीं मिला जिससे मैं पूछ पाऊँ, जरूर यार अवेंजर्स या फिर आयरन मैन को कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। चलो एक काम करता हूँ, जाकर के देखता हूँ। आयरन मैन, ओए आयरन मैन, एक सेकंड, वो लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड, वो लोग कहाँ चले गए? भाई यार वो सब तो यहीं पे थे। एक सेकंड, वो लोग है भी नहीं, वो चले तो चले कहाँ गए? एक काम करता हूँ कॉल लगाता हूँ। अरे गाइस यार ये आयरन मैन का कॉल भी नहीं लग रहा, पता नहीं यार स्विच ऑफ आ रहा है। भाई ये लोग गए तो गए का, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई यार थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो ऐसे ही एरिया पूरा भूतिया टाइप का है, ऊपर से यार ये अवेंजर्स लोग भी यहाँ से गायब हो चुके हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एक आइडिया है गाइस, एक काम करता हूँ जल्दी जाता हूँ रेड हल्क के पास, रेड हल्क इसके जस्ट बगल ही मतलब ये गाँव के जस्ट बगल ही में रहता है, वो मेरा मदद जरूर करेगा, क्योंकि भाई ये गाँव ना मुझे सच में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, इसमें मुझे कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही। गाइस मैं जब से यहाँ पे आया हूँ एक भी इंसान मुझे नजर नहीं आया, भाई ये सच में बहुत ही खतरनाक गाँव है। चलो यार एक काम करता हूँ रेड हल्क के पास जाता हूँ और ये गांव के बारे में पूछता हूँ, और भाई अवेंजर्स लोग कहाँ गए वो भी भाई उसे पता ही होगा। चलो गाइस यार जल्दी से रेड हल्क के पास चलते हैं। अरे गाइस यार हम लोग फाइनली रेड हल्क के घर के पास आ चुके हैं, ये देखो ये रहा रेड हल्क, और भाई सवेरा भी हो चुका है। अरे रेड हल्क, ओ रेड हल्क मुझे तुमसे बात करनी है। फ्रैंकलिन सुबह सुबह मेरे घर, बताओ बताओ कैसे आना हुआ, चाय नाश्ता निकालूं? अरे नहीं भाई साहब, चाय नाश्ता की तो बैंड बजी पड़ी है भाई साहब, पता है? क्या बात है, अवेंजर्स नहीं आए? अरे यार उसी के लिए तो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ। पता है भाई जो तुम्हारे बगल में एक गांव पड़ता है ना जहाँ पे श्रापित नन रहती है, इविल नन? हाँ, वो गांव में कभी मत जाना, मैं जाके फंस चुका हूँ, कभी लौट के कोई भी नहीं इंसान आता। अच्छा ऐसी बात है, मतलब वो गांव में जो भी जाता कभी लौट के नहीं आता? हाँ फ्रैंकलिन। अरे यार कल ही रात में मैं गाँव गया था वो पूरा अवेंजर्स के साथ, अवेंजर्स लोग तो नहीं मिल रहे, बस मैं बच के आ गया। मतलब कि अब तुम्हारे अवेंजर दोस्तों कभी नहीं आ पाएंगे, तुम अकेले ही बचे हो, चमत्कार हो गया। अरे यार ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब मैं बाकी जितने भी अवेंजर दोस्त है उसे नहीं मिल पाऊंगा? भाई वहाँ पे हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे एक इविल नन रहती है और उसके एक खतरनाक सा घर है, इविल नन सबको मार मार के अपने घर के अंदर ले जाती है, उससे लड़ना बहुत ही खतरनाक है। अरे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी करके अवेंजर्स लोग को बचाना पड़ेगा। भाई रेड हल्क तू मेरा मदद कर सकता है, प्लीज़ मेरा मदद कर दे, आइंदा अगर तुझे कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो अवेंजर्स और मैं हमेशा खड़े रहेंगे। फ्रैंकलिन ठीक है, उसे मारा नहीं जा सकता बट बेहोश किया जा सकता है, एक गन आती है जो मैं तुम्हें दूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर आज रात में हम लोग उसको जाकर के बेहोश कर देंगे और सारे अवेंजर्स लोग को बचा के ले आएंगे। अरे वाह यार, मतलब कि सच में रेड हल तुम्हारे एहसान ने मैं जिंदगी भर तक याद रखूंगा। ठीक है गाइस यार अब रात होने का इंतजार करते, तब तक एक काम करते हम लोग अपना गन निकाल लेते हैं। हाँ चलो 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 गाइस यार रात होने का इंतजार करते हैं। सो गाइस यार रात हो चुकी है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हमारे पास ये गन आ चुकी है, इसी से भाई इविल नन को हम लोग बेहोश कर सकते हैं। तो देखो यार रेड हल के पास भी सेम गन है, तो रेड हल चले भाई आ जाओ यार जल्दी गाड़ी में बैठो। हाँ फ्रैंकलिन चलो चलो, अब अवेंजर्स लोग के बचाने की जिम्मेदारी हमें लोग दोनों के ऊपर डिपेंड है। हाँ यार हम लोग दोनों के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर है, डिपेंड है, अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए ना तो फिर यार अवेंजर्स लोग पता नहीं उनका क्या हाल होगा। चलो यार जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो, ये देखो आ गया गाँव।
अरे गाइस यार, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं भाई, हम लोग बस एक रोड क्रॉस किए और भाई वो वाले टाउन में आ गए जहाँ पे इवन लन रहती है। मैं बोल रहा था ना भाई, रेड हल्क ना बहुत ही पास रहता है इवन लन के विलेज से। तो भाई ये है इवन लन का खतरनाक सा विलेज। भाई रेड हल्क, यहाँ पे तू कहना क्या चाहता है? ए फ्रैंकलिन, तुम्हें पता है 10 सालों से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता? 1 सेकेंड, 10 सालों से कोई नहीं रहता तो भाई यहाँ पे इतनी सारी लाइटें कैसे जल रही हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे गाइस यार, अब तो मुझे और भी डर लग रहा है, अगर मैं इवन लैन के घर के अंदर चला गया तो क्या होगा? यही है इवन लैन का घर? अरे गाइस यार, यही है क्या? भाई हमारे किस्मत तो देखो, हम लोग ने पता है यहीं पे गाड़ी आके रोका था, और स्पाइडरमैन की जो बाइक थी वो भी यहीं पे आके रुकी थी। इसका ये मतलब है स्पाइडरमैन भी भाई इवन लैन के घर के अंदर ही होगा। इवन लैन स्पाइडरमैन को भी अपने घर के अंदर ही कैद के रखी है। भाई यार, हमें इवन लैन के घर के अंदर जाना पड़ेगा। चलो यार जल्दी चलो। भाई मैं तो गन निकाल लिया हूँ, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। अरे यार छुप के चलते हैं। भाई अगर इवन लैन को पता चल गया ना तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक काम करते हैं, ऊपर ही तरफ चलते हैं। मुझे पक्का यकीन है ऊपर में भाई कोई ना कोई होगा जरूर। भाई यहाँ पे 1 सेकंड गाइस यार, अंदर में तो अवेंजर्स लोग हैं। अरे बापरे, फाइनली तुम मिल गए यार। भाई आयरन मैन, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। स्पाइडरमैन, भाई ये सब चल क्या रहा है? आई लव फ्रैंकलिन, देखो मेरा क्या हल कर दी इवन लैन ने। अरे भाग जाओ, तुम लोग भी भाग जाओ, वो आ गई ना तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। 1 सेकंड, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता है ये गन है इवन लैन के ऊपर, जैसे मैं चलाऊंगा इवन लैन बेहोश हो जाएगी। ही ही ही, चला के तो दिखाओ। अरे गाइस यार, लगता है पीछे इवन लैन है। इवन लैन ये लो। 1 सेकंड गाइस यार, मैंने तो रेड हल्क के ऊपर मार दिया। अरे गाइस यार, ये क्या, मैंने भाई रेड हल्क और इवन लैन दोनों को ही बेहोश कर डाला। अरे अवेंजर्स जल्दी से यहाँ से भागो। भाई फाइनली इवन लैन बेहोश हो चुकी है, और रेड हल्क को भी जल्दी से भाई उठा लो, उसे भी लेके भागना पड़ेगा हमें। जल्दी आओ। आइला सर जी, इतने बड़े रेड हल्क को हमें ही उठाना पड़ेगा क्या? अरे फ्रैंकलिन, जब भी आता कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ा कर देता है, अभी से भी हमें उठाना पड़ेगा, इतना भारी भरकम है। अरे जल्दी उठाओ, इवन लैन अगर जाग गई ना तो हमें भागने भी नहीं देगी, जल्दी उठाओ इसे। अरे यार भागो, जल्दी भागो। फाइनल गाइस यार, हम लोग ने रेड हल्क को भी अंदर रख लिया है, और भाई यहाँ से जल्दी से भागते, इवन लैन जब तक उठेगी तब तक हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ये छोटे से गाँव से निकलो यार, ये गाँव बहुत ही भूतिया टाइप का है। सो गाइस फाइनल यार, मॉर्निंग होने वाला है। चलो एक काम करते हैं, रेड हल्क के घर के ही तरफ चलते हैं। अच्छा वो फ्रैंकलिन तुम आ गए, तो वरना इवन लैन ना सब लोगों को किडनैप करके अपने घर में रखने का प्लान बना रही थी। अरे यार फाइनल यार, इवन लैन को हम लोग ने हरा डाला है, बट इवन लैन अभी तक मरी भी नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई है। इवन लैन को खत्म करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई साहब वो बहुत पावरफुल है, इवन लैन को खत्म करने के लिए हमें भाई रेड हल्क से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन यार रेड हल्क खुद बेहोश पड़ा हुआ है, गलती से मैंने उसी के ऊपर गन चला दिया था। चलो फाइनली गाइस यार, रेड हल्क के घर के पास तो आ ही चुके हैं, चलो यार सब लोग उतरो। सो गाइस यार फाइनली यार, हम लोग वहां से तो सब अवेंजर्स लोग को बचा के ले आए हैं, बट यार यहाँ पे रेड हल्क अभी भी बेहोश है, इसे भाई जागने में टाइम लगेगा। लगता है यार इसे मुंह में पानी मारो। सो गाइस यार, नीचे कमेंट करके बताना कि आज को कैसा लगा। पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों का शेयर करना। ओके गाइस, सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।